CoinDCX एक बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट ऐप है। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप बिटकॉइन और भी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से सीधे डाउनलोड कर लेंगे। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसको गूगल पे और पे 3.3 की रेटिंग है। इस पे और भी यूजर्स के रिव्यू अबाउट द ऐप जैसी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। जैसे इस एप्लीकेशन को 9 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया है, इसमें लॉगिन करने के लिए अपना जीमेल यूज करेंगे। सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। इस पे अपना नेम, जीमेल, पासवर्ड सभी डिटेल्स इंटर करेंगे। अपना नेम इंटर करेंगे, इसके बाद जीमेल आईडी और एक पासवर्ड। अब आपके जीमेल आईडी पे 6 डिजिट का कोड सेंड किया जाएगा। अब मैं उस कोड को इंटर करने के लिए अपना जीमेल अकाउंट ओपन करूँगा। जीमेल पर जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, सबसे पहले ही इसका मेल मिल जाता है। उस 6 डिजिट के कोड को यहाँ पर इंटर करेंगे, इसके बाद वेरीफाई करेंगे। अब इसके बाद अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और मोबाइल नंबर पर आए हुए OTP को इंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो जाता है। ऊपर देखने पे एक पॉपअप आ रहा है बैंक अकाउंट ऐड करने का। फ्यूचर यही है, इसका प्रमोशन आयुष्मान खुराना कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कई सारी क्रिप्टो करेंसीज देखने को मिल जाती हैं। आप जिस किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे। अमाउंट के हिसाब से आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी क्रिप्टो करेंसीज किस दिन कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। यहीं से आप उस क्रिप्टो करेंसी का एनालिसिस करके वहीं उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का डेमो देता हूँ। बाय पर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स ओपन होकर आ जाती हैं। इस पे आप इन्वेस्ट करना चाहें तो सबसे पहले अमाउंट ऐड करेंगे और उसके बाद आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि CoinDCX में अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद क्रिप्टो करेंसीज का एनालिसिस कैसे करना है और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कैसे करना है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं।